अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुमाना सईद कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आप मीटर वाला फैब्रिक लेकर एक पूरा लहंगा या पूरा गाउन कैसे रेडी करवा सकती हैं, और वो भी कम बजट में। सीक्वेंस फैब्रिक तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और उसके बहुत सारे डिज़ाइंस भी हैं, तो वो आपको इस वीडियो से आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको एक लहंगा रेडी करवाना है तो सबसे पहले आप फैब्रिक लीजिए। आप 4 मीटर फैब्रिक लीजिए लहंगे के लिए, उसमें 1 मीटर आप अलग रख लीजिए चोली के लिए और 3 मीटर का आप लहंगा बनवाइए, वो अच्छा खासा आपका फ्लेयर आ जाएगा। और 2.5 मीटर फैब्रिक नेट प्लेन फैब्रिक ले लीजिए, वो दुपट्टे के लिए। अगर आपके लहंगे के कलर का आपको नेट फैब्रिक मिल रहा है तब तो आप 2.5 मीटर लीजिए, लेकिन अगर आपको उसको डाई करवाना है तो आप 3 मीटर फैब्रिक लीजिए, क्योंकि जब डाई होता है तो कपड़ा सिकुड़ जाता है, तो वो आपका 2.5 मीटर आ जाएगा आसानी से। इस तरह का अगर आप सीक्वेंस लहंगा लेने जाएंगे तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये पड़ जाएंगे, और यही लहंगा अगर आप बनवा रही हैं तो आपको 200 से 250 रुपये पर मीटर आपको मिलेगा फैब्रिक, और आप 4 मीटर में आसानी से लहंगा रेडी करवा सकती हैं। अगर आपको गाउन लेना है, आप जिस तरह का फैब्रिक लेंगी उस तरह का प्राइस होगा, आपके मार्केट के हिसाब से होगा, लेकिन 200 से 250 रुपये मीटर से स्टार्ट हो जाएगा अच्छा वाला फैब्रिक। तो वो डिज़ाइंस के ऊपर है कि आपको फैब्रिक कैसा मिल रहा है और कैसा डिज़ाइन है, तो उस हिसाब से आप ले लीजिए। आप 4 मीटर का फैब्रिक लीजिए। अगर आपको फ्लेयर ज़्यादा चाहिए तो आप सिर्फ नीचे वाले पार्ट के लिए 4 मीटर फैब्रिक लीजिए, और अलग से 1 मीटर फैब्रिक लीजिए आप अपनी चोली के लिए। और गाउन भी बनवाना है तो आप सेम 3 मीटर फैब्रिक लीजिए नीचे वाले पार्ट के लिए और 1 मीटर ऊपर वाले पार्ट के लिए, आपका गाउन 4 मीटर में रेडी हो जाएगा। लेकिन लहंगे के लिए आप 5 मीटर फैब्रिक लीजिए, क्योंकि 4 मीटर लीजिए नीचे के लिए और 1 मीटर फैब्रिक लीजिए आप चोली के लिए, और 2.5 से 3 मीटर आप दुपट्टे के लीजिए, दुपट्टे के लिए फैब्रिक ले लीजिए, तो आपका एक डिज़ाइनर ड्रेस रेडी हो जाएगा और आपका 2000 के अंदर ही आपका ड्रेस रेडी हो जाएगा। लेकिन वही ड्रेस आप मार्केट से लेने जाएंगी तो वो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये पड़ जाएगा। और कलर, कभी कभी ऐसा होता है कि कलर और डिज़ाइन हमको पसंद नहीं आता है, लेकिन अगर वो फैब्रिक आप लेने जाएंगी तो आपको अपनी पसंद का कलर और डिज़ाइन दोनों मिल जाएगा। और आप अपने लहंगे या गाउन के नीचे डबल लाइनिंग ज़रूर लगवाइए, और कैन तो ज़रूर अटैच करवाइए, इससे आपका फ्लेयर बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। आप जो मेन फैब्रिक रहेगा उसके नीचे साटन या सेंटून की लाइनिंग लगवाइए, और उसके नीचे आप कॉटन की लाइनिंग लगवाइए, और उस कॉटन की लाइनिंग के ऊपर आप कैन अटैच करवाइए, तो आपका डिज़ाइनर ड्रेस रेडी हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो याद से लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू।